अब देखिए फास्ट गैस हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट टाइम हमने गैस क्या पढ़ा था? हमने गैस पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम उसके गैस क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके हम लोग पढ़ रहे हैं गैस। बात करें एप्लीकेशन, ठीक है सर। तो ई बराबर गैस कितना होता है? माइनस डी वी बाई डी एफ। ई बराबर होता है हमारा माइनस डी वी बाई डी एफ, ठीक है सर। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप इसके एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। तो जो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं पांच एप्लीकेशन, उसमें अब छठा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ा था नेगेटिव साइन का, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। जैसे आपने एप्लीकेशन पढ़ा था कि जो डी वी अपॉन डी आर है उसके स्लोप तुम्हें क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, वी वर्सेस आर में आपकी, ठीक है सर। फिर आपने देखा था कि अगर डी वी कॉन्स्टेंट है, डी वी क्या है? कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गैस क्या होगी? डी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर तो आपने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल हर जगह क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है सर। तो गैस अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गैस क्या होगी? जीरो होगी। तो पोटेंशियल गैस क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो पहला एप्लीकेशन था ये, दूसरा था ये, तीसरा, चौथा और पांचवा एप्लीकेशन हमारा ये था कि वी ए बी कितना होता है? माइनस ई आर ए बी कॉस थीटा, माइनस ई आर ए बी कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं कि वी ए बी क्या होता है? माइनस ई डॉट आर ए बी। तो ये सारे एप्लीकेशन आप लोग पढ़ चुके हैं गाइस, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। बढ़े आगे। अब हमें गाइस छठा एप्लीकेशन करना है यहाँ पे इसका, जिसके लिए हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो उस एप्लीकेशन को सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या सीखेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे, ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कहता है पार्शियल डेरिवेटिव, पहले वो आपको समझना है। तो जैसे गाइस यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स है, आप निकाल रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो वाई और जेड को क्या कर देगा? कॉन्स्टेंट मान लेगा, ठीक है। वैसे बात करेगा यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे देखिएगा इस क्या होता है। तो यहाँ पे ये होता है कि वाई और जेड को वो जीरो नहीं कर सकता, ठीक है। वाई और जेड वेरिएबल है तो उसे कॉन्स्टेंट नहीं मानेगा। ये डी वाई डी एक्स कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर डी वाई डी एक्स ऑफ गाइस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। फिर हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे लगेगा पावर रूल, क्या लगेगा? पावर रूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? वन, ठीक है। उसके बाद ये आएगा टू वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कटेगा नहीं। ये क्या आ जाएगा? टू जेड, और ये जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, ये भी कटेगा नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव करते डेल के रेस्पेक्ट में, डेल करते, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग डेल। और ये दिखाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मान लीजिए अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हो, ठीक है सर, तो केवल वो क्या मानेगा? एक्स को मानेगा वेरिएबल, एक्स को ही वेरिएबल मानेगा, और किसे? वाई और जेड को क्या मानेगा? वाई जेड को मानेगा कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट अगर मानेगा तो क्या करेगा? वैसे उसे जीरो कर देगा उसका डेरिवेटिव। ठीक है सर। और जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर हो गया, फिर बात करेगा यहाँ पे, इसको डेल बोलते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या इस बात करें डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई कितना हो गया? वाई स्क्वायर। फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है सर। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स ऑफ एक्स वाई कितना हो गया? टू एक्स। ये कितना आ गया? जीरो। और ये कितना आ गया? जीरो। यानी कि आंसर कितना आ गया? टू एक्स। तो आपत्ति किसी को? यानी कि हमारा जो बात करें डेल बाय डेल एक्स का, ये सब चीज़ें होंगी, इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा टू एक्स। क्या आएगा? टू एक्स है। तो दोनों में फर्क समझ रहे हो? क्या फर्क है? उसने वाई और जेड को क्या माना? वेरिएबल माना, उसी हिसाब से उसने इसको सॉल्व किया, जो हमारा प्रॉपर डेरिवेटिव है। लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसने जेड को और वाई को जीरो मान लिया, क्योंकि तो आपने एक्स के रेस्पेक्ट में किया है उसको। बात समझ आ गई? फटाफट नोट की तेजी के साथ, धीरे धीरे आएगा आपको, जल्दबाजी मत करना, एकदम से कभी नहीं आएगा।
बड़े आगे हो गए आप लोग। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, केवल इसे क्या मानेगा? वेरिएबल। बाकी सबको क्या मानेगा? कॉन्स्टेंट। तैयार हैं आप लोग? निकाल दिखाना डीवाई डीवाई को, इसको सॉल्व करना डीवाई डीवाई और एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड इसको। फिर सॉल्व करिए फॉल्स तरीके से, जो आपके सामने लिखा हुआ है देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले में। प्रॉपर डेरिवेटिव करिए जो आप करते हो। नीचे को अभी आप 5 डिग्री करना वाई के रेस्पेक्ट में, आगे पहले का आंसर गाइस क्या देगा? ये 2x dx बाय dy, ये देगा 2y dy बाय dy। कितना हो जाएगा वहां 2y, और ये कितना देगा? 2z dz बाय dy। ये किया आप लोगों ने, निकाल निकालना आंसर। इसे जीरो मान लेगा, केवल किसे मानेगा? वेरिएबल y को। इसे क्या मान लेगा? 2y। सॉल्व कर देगा इसे, इसे क्या मान लेगा? जीरो। वहां से कितना आ जाएगा? 2y। कितना आ जाएगा? 2y। चलिए बड़े यहाँ पे गाइस आपने क्या इस क्या किया है, यहाँ पे आपने गाइस क्या किया है? प्रॉपर डेरिवेटिव किया बात करेगा। यहाँ पे गाइस आपने क्या किया है? आपने गाइस किया है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों का आंसर गाइस क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, उसका अलग आंसर आ रहा है, इसका अलग आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान से तो बताने इसका आंसर कितना आएगा। डेल सबका आंसर लिखिएगा। सबका आंसर कितना आएगा? सबका आंसर जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो क्यों आएगा? ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को डेरिवेटिव कर रहे हो पार्शियल, जेड के रेस्पेक्ट में एक्स कर रहे हो, तो जीरो आएगा ना भाई साहब। ठीक है, तो ऊपर जो है वो क्या मानेगा? उसे उसे मानेगा कॉन्स्टेंट। क्या मानेगा? कॉन्स्टेंट मानेगा भाई साहब। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, सॉरी, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब है। क्या मानेगा उसको? सॉल्व कर देगा, 3x² मानेगा। मानेगा गाइस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, मानेगा गाइस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो करना सॉल्व, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर भी करना सॉल्व। दूसरे केस में गाइस क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है, तो क्या करेगा ये भाई को? मानेगा कांस्टेंट। क्या मानेगा? क्या करेगा इसे? भाई बाहर कर लेगा। क्या कर देगा? बाहर। तो डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x², तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3x² y², और जब प्रॉपर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? एक बार एक्स को करेंगे डेरिवेटिव, एक बार क्या करेंगे वाई को, क्या लगेगा? चेन रूल। क्या लगेगा? एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना भाई साहब। एक बार एक्स को बाहर लीजिए और वाई को डेरिवेटिव करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई स्क्वायर को बाहर लीजिए, बात करेगा जो आप एक्स को डेरिवेटिव करिएगा इस किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा एक्स क्यू 2y, फिर डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा गाइस? 3x². कितना आ जाएगा? 3x² कर सकते हैं इसको सॉल्व। करिए फॉल्व जल्दी करिए, सॉल्व करना हो तो क्या और क्या करना है? दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? क्या है बच्चे बोलते भाई आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया? जैसे आपने यहाँ पे एक्स को किया, फिर वाई को क्यों नहीं किया? वाई को मैं करता जीरो, आप क्या था? जीरो दिखा रहा हूँ करके, पहले से लिख लो, दिखा रहा हूँ। हाँ भाई क्या हो गया, लिख लिया?
अब देखिए फास्ट यहाँ पे ध्यान से चली गई वैसे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मैं ऐसे इसे करता डेल करता गया, क्या करता डेल, इमेजिन करिए, और चेन रूल लगाता डेल में, क्या लगाता चेन रूल लगा दिया। अब देखो ये सॉल्व करता है इसको, इसे क्या करता जीरो मान लेता, इसे सॉल्व करता, इसे सॉल्व कर देता, इसे जीरो मान लेता, तो आंसर गाइस क्या आता, ये आता है 3x2y2। तो चेन रूल लगाने से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। देखते हैं गाइस आपको कितना आया, निकालिए जरा, डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, डेल बाय डेल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, और डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड। करिए क्या करिए, जल्दबाजी मत करिए, जो मल्टीप्लाई हो रहे हो वेरिएबल्स तो उन्हें कांस्टेंट मान के बाहर कर लो, ठीक है सर। भाई पढ़ाई करना मुश्किल लग रहा है भैया, आगे जाके जब जॉब करोगे तो गालियां खाओगे, तब ज्यादा मुश्किल लगेगी चीज। पढ़ो जा भैया। दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं देखिए फास्ट भाई से बहुत मेहनत कर रहे हो, टेस्ट में दिखता है तुम्हारे हो, कितना लिख रहे हो तुम लोग। भैया तो फालतू बोल रहे हैं ना, तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें तो हर फॉर्मूला याद है। यहाँ पे देखिए वाई क्या है वेरिएबल, तो क्या करेंगे सिर्फ वाई को छोड़ेंगे, बाकी सबको बाहर कर लेंगे, तो डेल वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल वाई कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, कितना उन्होंने से निकाला ये। बहुत बढ़िया, आगे देखिए इसमें डेल बाई डेल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स को बाहर ले लीजिए, सही नहीं नहीं वाई और जेड को बाहर लीजिए, वाई और जेड को बाहर लीजिए, बात करें यहाँ पे डेल बाय क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई जेड टू एक्स, टू वाई जेड एक्स, बात सुन आ गई आप लोगों को। आगे देखिए नेक्स्ट सॉल्व करिए सब डायरेक्ट से तेजी के साथ, तो इसमें डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, कोई नाम निशान है इसमें जेड का, ये जीरो होने वाला है, क्या होने वाला है जीरो, डेल वाई जेड जेड ऑफ वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड डेल वाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर जेड, इसमें गाइस क्या करेंगे आप, वाई स्क्वायर को बाहर लीजिए, जेड डेल जेड बाई डेल जेड, ठीक है साहब, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको बाहर लेंगे एक्स स्क्वायर को, डेल जेड बाय डेल जेड, कोई दिक्कत, इसमें कितना आ गया वाई स्क्वायर, इसमें कितना आ गया एक्स स्क्वायर, उसका आंसर कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना निकाला आंसर, ये बहुत बढ़िया वैसे, किसी निकाला भैया जगह छोड़ दो, रिकॉर्डिंग देख रहे ना, वहां से कवर कर लेना, टाइम नहीं है हमारे पास, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इस तरह से क्वेश्चन अलग है। बड़े आगे चलिए, अब देखिए गाइस बात कर रहे हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर हमारा गाइस 6 होगा, जो भी नंबर होगा मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, मान लीजिए 6 नंबर का आपका एप्लीकेशन, तो हम गाइस करते क्या है, ई बराबर कितना होता है माइनस डी बी अपॉन में डी आर, क्या होता है माइनस डी बी अपॉन में डी आर, ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है माइनस डी बी अपॉन में डी आर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक्स के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स, और वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं माइनस डेल वी बाय डेल वाई, यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई कॉम्पोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये गाइस कितना हो गया ई जेड माइनस डेल वी बाय डेल जेड, इस तरह से ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है बात बाकी गाइस यहाँ पे ध्यान से, तो ये हो गया ई एक्स ई वाई और ये गाइस क्या हो गया ई जेड हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, इस बात करेगा यहाँ पे, और ये हमारा गाइस क्या हो गया ई जेड के कैप, ई जेड के कैप, ई एक्स निकाल सकते हैं सर यहाँ पे माइनस डेल बी बाय डेल एक्स,
आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई, जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड, के कैप। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू निकालनी तो क्या होगी, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। ठीक है, जल्दी करिए, फास्ट होने दीजिए साहब। के पास यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, चलिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बिल का फॉर्मूला आपने निकाला है, ठीक है सर, इसका यूज कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी सॉरी, गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जगह बच रही है अभी आपके पास, नहीं बच रही, तीन सफे छोड़ी थी आप लोगों ने, तीन सफे छोड़ी थी, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो आप देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फेज हमारी गैस क्या है, वी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट लिखिए आप, राइट एक्सप्रेशन ऑफ ई वेक्टर, राइट एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर, दूसरा लिखिए वैल्यू ऑफ ई एट 1.0.2 मीटर। अब देखिए पास यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है गाइस, बात करें हमारे को वो लिखनी है, बात करें ई वेक्टर के लिए। रेडी हैं आप लोग? गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से, तो हम निकालेंगे गाइस पहले ई एक्स, क्या निकालेंगे, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये लिखा ना हम लोगों ने। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाय डी आर। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि मुझे एक्स का मान निकालना है, तो फिर ये डिसाइड कर लो कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आप वाई का मान निकालना है, तो फिर आप वाई के हिसाब से डेरिवेटिव करोगे, यही तो मतलब है। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी आर तो पूरी इलेक्ट्रिक बिल देता है आप लोगों को, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव क्या देगा, आपको एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ई एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। रेडी हैं आप लोग? तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स में हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देख ले भाई, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, बाकी सब क्या आ जाएगा, जीरो। मेरे पास टाइम लगा है, बात सुना रही है, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ कुछ एक्स तो है नहीं, कोई एक्स नहीं है ना भाई साहब, तो जीरो ही हो जाएगा।
ये कितना आ गया, ई एक्स कितना आ गया, माइनस टू एक्स कितना आ गया। ऐसे हम निकालेंगे ई वाई, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान ना ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई। ई वाई कितना हो जाएगा, प्लस टू वाई हो जाएगा, तो ई वाई आ गया, ये हमारा ई एक्स आ गया। अब देखिए ई जेड कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड, तैयार है। अब देखिए क्या, तो वी कितना होगा, वी कितना होगा, आ गया यहाँ पे, तो वी हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, ये आ जाएगा माइनस टू जेड, हो जाएगा भैया। यानी कि गाइस हमने ई वाई फाइंड कर लिया, ई जेड फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारा ई जेड, ये आ गया माइनस टू जेड, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे ई वेक्टर कितना था, ई वेक्टर था आपका ई एक्स आई कैस ई वाई जे प्लस ई जेड के क्या, ये आ रहे हैं आप लोग। अब देखिए ई एक्स क्या था, माइनस टू एक्स आई कैस, ई वाई क्या था, प्लस टू वाई जे कैस, और ई जेड क्या था, माइनस टू जेड के क्या। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है सर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसमें आएगी, न्यूटन पर कूलम में आएगी, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, यहाँ से ई एक्स का, यहाँ से ई वाई का, और यहाँ से किसका इस्तेमाल किया हमने, ई जेड का, इनका इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हमें ई वेक्टर की एक्सप्रेशन निकालनी थी, क्या वो हमें मिल चुकी है, बिल्कुल सही वो मिल चुकी है ना, लिख तो थी, बट हमें अभी एक और काम भी करना है, हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 102 पर, क्या फाइंड करनी है, 102 पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि एक्स वाई जेड पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमारे पास चार्ज क्या है, बात करें पॉइंट हमारे पास गाइज क्या है, 102, तो 10 पुट करिए आप यहाँ पे, जब आप 10 पुट करेंगे यहाँ पे तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस टू इंटू में 1 आई कैप प्लस टू इंटू में 0 जे कैप माइनस टू इंटू में 2 के कैप, क्या देखा यहाँ पे गाइस, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू में 2 के कैप, ठीक है सर। तो यहाँ पे ई वेक्टर का कितना आ गया, माइनस टू आई कैप 0 हो जाएगा, माइनस 4 के कैप न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, कैसे फाइंड करेंगे, मॉड निकालिए, बोलो बोलो बोलो, 100 माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 16 हो जाएगा ये रूट 20, यानी कितना आ जाएगा, 2√5, 4 × 5 भी सकते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका 2√5 न्यूटन पर कूलम। बात समझ गई आप लोगों को, जल्दी करिए फास्ट नोट कर दीजिए सर। एक काम करिए भाई साहब, जगह छोड़ दीजिएगा आप लोग इसके सोल्यूशन के लिए, रिकॉर्डिंग देख के आप भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमें टॉपिक ज्यादा है हमारे पास। बड़े आगे चलिए, देखिए यहाँ पे गाइस क्वेश्चन सेम यही रहेगा, आओ गाइस करना, गाइस क्या है आपको पोटेंशियल दे रखा है इस बार अलग तरीके से, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है वी बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, रेडी हैं आप लोग, ये पोटेंशियल दे रखा थोड़ा सा अलग तरह का दे रखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो वही काम करना है, इलेक्ट्रिक की एक्सप्रेशन निकालनी है और ये निकालना, निकाल सकते हैं सर इसको, बट इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होने वाला, यहाँ पे अच्छे खास दिमाग लाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ थोड़ी जल्दबाजी ना करके प्रॉपर तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखिए आपको ये पहचाना तो आएगी होगा कि टॉपिक कब यूज करना पड़ेगा, डेल्टा से डेरिवेटिव वाला, जब हमें पोटेंशियल दे रखा हो एक्स वाई जेड के नाम में और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तब हमें ई एक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ई एक्स पे, तो माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, वी कितना है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारी, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बात करें डेल वाई स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स, फिर माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ
जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस हो जाएगी हमारी, तो देखो इसमें एक्स को वाई को बाहर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई। मेरे पास टाइम कम है भैया, यहाँ पे जीरो आ जाएगा ये, क्योंकि एक्स ही नहीं है। और इसमें एक्स को करिए जेड स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा एक्स कितना आ जाएगा वन। तो ये हो गया ई एक्स, क्या हो गया ई एक्स। में आपने अच्छी खासी मेहनत करी है सॉल्व करने के लिए, माइनस टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई, ये क्या आ गया ई एक्स। अब किसकी वजह का बात करें, ई वाई निकालने की वजह से बात, अब निकालेंगे ई वाई, तो हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल वाई, माइनस डेल बाई डेल वाई। और इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई, चेक कर लीजिए यही थी। ई वाई निकालेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट कर दो ना, नहीं डायरेक्ट निकालना पड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई। फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस डेल वाई डेल वाई, वाई स्क्वायर जेड, और माइनस डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर एक्स वाई। बड़े आगे वाई एक्स क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया टू बाई जेड, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया वैसे। और ये कितना आ गया माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये हमारा ई वाई आ गया। अब गाइस हम बात करेंगे क्या निकालेंगे, ई जेड, क्या निकालेंगे ई जेड निकालेंगे। तो माइनस डेल बी बाई डेल जेड, ठीक है सर। तो माइनस डेल बी डेल जेड करेंगे वैसे, उसमें माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है सर। फिर प्लस हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर जेड, फिर वापस माइनस आ जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर एक्स वाई। रेडी हम लोग, चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला वाला क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तो उसमें है ही नहीं जेड, तो ये जीरो हो गया। ये वाला माइनस टू एक्स वाई जेड, इधर हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जेड, हमारा ई जेड आएगा, ठीक है सर। अब जैसे जैसे हमसे ई वेक्टर लिखाने के लिए बोला है, उसने थोड़ी हमारे साथ नाइंसाफी कर दी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको। माइनस टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर आई गैप, ई वाई क्या आया था आपका, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए फास्ट एक बार हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स आया, वाई नहीं है इसका, ये क्वेश्चन में ना एक वाई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिमेट्रिक होता। तो जेड स्क्वायर का क्या था, ये एक्स है, वाई हटा दीजिए आप, यहाँ वाई है ही नहीं, तो ये सही है सर, तो यहाँ वाई नहीं। बड़े आगे इसमें बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ भैया, चेंज कर रहा हूँ, टेंशन ना ले। ये कितना हो जाएगा, वाई नहीं है तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाए, ठीक है, ये हो गया ई वाई। और ये कितना वाई, इसमें वाई नहीं है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आएगा तो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, बात करेगा यहाँ पे टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर आई है। और ये भाई हमारा कितना आया था, ये भाई हमारा आया था माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू वाई जेड जे के, ये सब। और हमारा ई जेड का कितना आया था आपका, ई जेड हमारा आया था वाई स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स जे, आपका गाइज के है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग सब कुछ। माइनस टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, माइनस टू एक्स माइनस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार सही नहीं आएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, चेक करिए कुछ जोड़ करिए, वाई तो आएगा ही नहीं क्योंकि वाई तो कट जाएगा, सही है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, सही है ना भाई सर, हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। और फिर लास्ट देखिए क्या आया था, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स, बोलिए भाई। बट जेड तो है यहाँ पे, जेड स्क्वायर क्या हो गया टू जेड हो गया, यहाँ पे जेड नहीं है तो ये जीरो हो गया, ठीक है, हंसना आ गया भाई सर।
चले तो अब ये आप देखिए सब चीजें सिमेट्रिक हैं, बात में नहीं सब चीजें आंसर सबके सबके क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये तो हमारा गाइस क्या हो गया, ई वेक्टर निकालना क्या हो गया। अब इसमें जो बोला है क्वेश्चन में वो पॉइंट्स हैं 1 1 2, क्वेश्चन भी सही करना पड़ेगा आपको, पिछला क्वेश्चन था ना ही, तो पॉइंट यहाँ 1 1 2 है, यानी कि आपको 1 1 2 पर निकालना है गाइस इलेक्ट्रिक बिल की वैल्यू क्या है, सब आपको रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में चीजें हो रही है, मेरे पास टाइम कम है। अब देखिए यहाँ पे गाइस तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अब 1 1 2 पे निकालना है आपको, कहा निकालना है भाई इलेक्ट्रिक बिल की वैल्यू, घर पे ट्राई करना है, घर पे करना है, X1 हो जाएगा, Y1 हो जाएगा, और Z कितना हो जाएगा 2। ई वेक्टर निकाल सकते हैं -2 इंटू में 1 इंटू में 1 माइनस जेड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी आई कैप, बिल्कुल भाई बिल्कुल आई कैप, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 बाई 1, जेड कितना हो गया 2, जे कैप प्लस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 जेड एक्स, 2 इंटू में एक्स कितना है 1, और ये गाइस कितना आ गया k को। यहाँ से आपको ई वेक्टर मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए ई वेक्टर, ठीक है सर। यहाँ से जो प्रॉपर होगा वो मिल जाएगा -6i कैप प्लस 3j कैप और माइनस बात करें 3k कैप, आगे देखिए यहाँ पे गाइस तो ये आ जाएगा -6i कैप तो -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, कितना आ गया -6, ये -1 और ये +4 कितना आ गया +3, और ये 1 माइनस बात करें 4 कितना आ गया -3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारी इलेक्ट्रिक बिल की वैल्यू बात करें वेक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक बिल की वैल्यू, 1√-6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे भैया तो आपका आ जाएगा √54 न्यूटन पर कूलम सेकंड भैया, 9 प्लस 9 तो +36 और 18 कितने हो जाएगा भैया आपका 54, तो 54 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आएगा, तो दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था बात करें पार्शियल डेरिवेटिव। अब चक्कर क्या है, इस पर क्वेश्चन कम आते हैं CBSE में, लेकिन बाकी जगह आपको नीट जेईई में क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे इस पर, ठीक है, जानने से इसको, बट क्वेश्चन CBSE में भी आ सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। अब जैसे जो क्वेश्चन आपने किया था ना बात करें, जो हमने 1800-1900 क्वेश्चन दिया था लोगों को, वो इसी पर होगा, तो घर पे आप ट्राई करना उन क्वेश्चंस को, अगली बार बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मूव करिए, टाइम हो गया है।